तबे टॉप वन खबर पर नजर पकाइबा दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पाई प्रचार सरी शेष दिन में हाई वोल्टेज कैंपेन करिछंती बीजेपी आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस एथसह प्रचार शेष दिन में कंपी राजधानी दिल्ली शेष मुहूर्त में प्रार्थी समेत दलर हेवीवेट नेता फुल दम कैंपेन करिछंती मैदान को ओल्हाइथिले हेवीवेट नेता प्रार्थी एवं कर्मी बीजेपी पक्षर प्रचार मंग संभालिथिले अनेक तुंग नेता सेहीपरि कांग्रेस पक्षर दुई दुईट बड़ राली करा जायथिला आज प्रचार सरी बेले आसंता आठ तारीख से हेब मतदान आगार तारीख से हेब मतगणना जो भाई एथर प्रचार निर्वाचन में दिल्ली बासिंदा मन जितुची किए एवं ता रही समस्त नजर तेज संपर्क अधिक आलोचना करने आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि रचना रचना जी क्या अभी देख रहे हैं अभी जो प्रचार खत्म हो चुकी है बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया जाए कि आपकी तरफ से केजरीवाल की बात किया जाए कि उनकी बेटी हर्षिता जो है वो भी डोर टू डोर कैंपेन की थी अपने पापा के लिए अभी क्या दिल्ली में हाल देख रहे हैं माहौल कैसा है अभी देखिए जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान जो है वो 8 फरवरी को होने हैं प्रचार का आज आखिरी दिन था और प्रचार अब 5 बज चुके हैं और करीबन थम गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की और बीजेपी ने जो मेगा कैंपेनिंग की थी तमाम जो बीजेपी शासित राज्य थे वो लोग यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए उतरे थे आम आदमी पार्टी ने की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल है मनीष सिसोदिया है इन लोगों ने भी लगातार जगह जगह जाकर कैंपेनिंग की थी रोड शो किए थे तो दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा पूरा जो दम है दमखम है वो इस मैदान इस चुनाव को जीतने के लिए लगाया है लेकिन ये अब 8 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि प्रचार में ये पार्टियां लोगों को जीतने में लोगों का मन जीतने में कितनी कामयाब हुई है क्योंकि 11 फरवरी को नतीजे आएंगे तभी यह साफ होगा कि दिल्ली में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फ्री फैक्टर को लेकर चल रही थी बिजली पानी मुफ्त या फिर जो बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की जो योजनाएं लेकर चल रही थी गारंटी कार्ड भी लेकर आई थी और इधर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार विकास कामों को लेकर आगे चल रही थी तो यहाँ पर तमाम तरीके की चीजें दिखाई दी तमाम बड़े चेहरे हमें कैंपेनिंग करते हुए नजर आए लेकिन इन सब बड़े चेहरों के बीच एक बात ये जाननी होगी कि जनता किसकी तरफ ज्यादा प्रभावित हुई है ये 8 तारीख को उनके वोट से ही साफ हो पाएगा क्योंकि 11 तारीख को नतीजे आने हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां लगी हुई हैं अगर हम कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का प्रचार भी जरूर देखने के लिए मिला लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रचंड रूप से प्रचार करती हुई यहाँ पर नजर आई वो जोश शायद कांग्रेस में यहाँ पर कम पड़ा या नहीं देखने के लिए मिला लोगों से भी हमने बात की तो लोगों का भी कहना था कि इस वक्त कांग्रेस ना के बराबर है लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो लोगों की पसंद बनी हुई थी बीजेपी है वो भी पसंद बनी हुई थी और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें राष्ट्र में मोदी सरकार चाहिए लेकिन दिल्ली में हमें अरविंद केजरीवाल सरकार चाहिए तो अब ये जो माइंडसेट है कि राष्ट्र में मोदी सरकार चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल सरकार चाहिए अगर हम मोदी ब्रांड की बात करें इस बार चुनाव में मोदी ब्रांड जो सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए वो काम देगा या फिर केजरीवाल सरकार जो बिजली पानी और स्वास्थ्य को लेकर अपना प्रचार को कर रहे हैं वो केजरीवाल सरकार को एक बड़ा अच्छा फैक्टर अच्छा मुद्दा बनेगा और वो उस हिसाब से लोग उनको वोट देंगे देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेकर आगे चल रही है बिजली पानी मुफ्त और जो गारंटी कार्ड देख रही है उसको देखते हुए वो उनकी तरफ से बड़ा मुद्दा है गारंटी कार्ड भी वो दे रहे हैं लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें क्योंकि बीजेपी का बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं उतारा है तो ऐसे में यहाँ पर जरूर भारी पड़ता नजर आ रहा है और जो शाहीनबाग का मसला है जो बराबर विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रहा तो ऐसे में लोगों का माइंडसेट भी बदला है क्योंकि कुछ दिन पहले जो चुनाव प्रचार था एक तरफा नजर आ रहा था लेकिन शाहीनबाग के साथ खड़े होने की बात जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार ने की
मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम शाहीनबाग के लोगों के साथ खड़े हैं, उसके बाद सिनेरियो यहाँ पर जरूर चेंज हुआ और यहाँ पर देखने के लिए मिला कि निश्चित रूप से आगे सिनेरियो क्या दिखाता है, आगे दिल्ली वासी किसको वोट देते हैं वो आगे पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रचना थी हम प्रतिनिधि नवा दिल्ली प्रतिनिधि सभी से सूचना दूसरे वर्तमान जो प्रचार सरी जाए दिल्ली में एवं 8 तारीख को अपेक्षा रही जो दिन मतदान निजी दिल्लीवासी। नंबर टू खबर पर नजर पकाइबा, दिनकु दिन सांघातिक होउछि कोरोना, चीन रे कोरोनार भयंकर रूप आपर्यंत नेलाणी प्राय 500 मुंड। एपटे ओडिशारे स्वास्थ्य विभाग नेइछि सर्वोच्च सतर्कता, स्थिति समीक्षा करिछन्ति स्वास्थ्य सचिव डीएमईटी कहिछन्ति एपर्यंत 25 जन चीन एवं मालेसिया फेरंता ओडियांकर स्वास्थ्यावस्था परीक्षा करा जाइछि। सबडे कोरोनार मुकाबला पई कटक एसीबी रे पहुंचिले सेंट्रल टीम, एसीबी रो 9 जनिया डाक्तरी टीम सह आलोचना करिछंती केंद्रीय टीम। एही टीम कोरोना वार्ड परिदर्शन करिबा सह अन्यान्य पदक्षेप संपर्क रे आलोचना करिछंती। कोरोना मुकाबला पई कटक एसीबी रे प्रस्तुति रे केंद्रीय टीम खुशी अछंती, खूब शीघ्र केंद्र सरकार को एने रिपोर्ट देबो केंद्रीय टीम। एही टीम एसीबी मेडिकल जिबा पूर्वरु विमान बंदर ओ कैपिटल हॉस्पिटल परिदर्शन करथिले। कोरोना वार्ड रे आउ किछ सुविधा देबाकु डाक्टर को परामर्श देछंती केंद्रीय टीम। अन्यपटे जनवरी 15 तारीख रे चाइना थाईलैंड एवं हांगकांग रु ओडिशा फेरिथिबा 33 जणक मध्यरु 3 जणक ठारे अल्प लक्षण देखा जाइछि। फुलवाणी रो जणे व्यक्ति सुस्थ होई एसीबी रु डिस्चार्ज होइछंती, अवशिष्ट 30 जणक भितरु 4 जणक नमूना नेगेटिव आसीछि, अवशिष्ट 26 जणक होम सर्विलांस रे रखा जाइछि। जनवरी 15 परे चीन किंबा पाखापाखी कंट्री माना थाईलैंड किंबा हांगकांग जोड़ा कि हाई रिस्क एरिया बोले डिक्लेयर करा है, रिस्क एरिया डिक्लेयर कर दी से 33 जन लोक जनवरी 15 परे फेरी ओडिशा रे पहुंची थिबार आम पाखे खबर अच्छे, आम से चिन्हट करिछु। आउ 2 जनकर रिपोर्ट एपर्यंत आसीनी, से माने एपर्यंत आइसोलेशन वार्ड रे अछंत एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। बाकी रहिले 30 रु 4 जनकर नेगेटिव है, होम सर्भेलान्स लिस्ट रु काटि देछु कारण तांकर तो कोनोसी लक्षण नाही, तेणु बर्तमान सुधा आम बाहर होम सर्भेलान्स 26 जन को रखुछु, तांकु प्रतिदिन सेमानक सहित कांटेक्ट रे अछु। तबे कोरोना को नहीं राज्य में भय दूर है न होता बेले एपटे स्वाइन फ्लू नहीं कि बड़ मेडिकल चिन्हट होती जे स्वाइन फ्लू आक्रांत घर ढेंकानाल जिले गत 4 तारीख रु स्वाब रिपोर्ट पॉजिटिव आसवा पर तांको कोरोना वार्ड रो आइसोलेशन रूम रे रखा जाई स्वतंत्र चिकित्सा करा जाउछि। तेबे स्वाइन फ्लू को नहीं भयभीत हेबार कारण नहीं बोली कहिछंती डीएमईटी निर्देशक। पूर्व भली स्वाइन फ्लू व्यापीबा आशंका कम रहिछि। कोरोना एवं स्वाइन फ्लू भली दुई दुईटी संक्रामक एवं मारात्मक रोगर संदिग्ध भर्ती हेबा परे एससीबी मेडिकल रो स्थिति गंभीर रहिछि। गोटिए कोठारे चक्षु विभाग एवं ओपीडी सह कोरोना वार्ड रहिथिबारु सेठाकु आसुथिबा अन्य रोगी एवं संपर्कियंकर सुरक्षा चिंता करिछि, तेणु सबु वार्ड को आसुथिबा लोकंकु मास्क पिंधिबा पई परामर्श दैछंती एसीबी मेडिकल कर्तृपक्ष। आमर स्वाइन फ्लू 2009 रु ओडिशा रे अछि, तो एमती एंडेमिक केस निश्चित भाव हब, तो आमर सेटा गोटे जो चारिमाला रे जो वार्ड करा जाइछि सेठी आम 74टा बेड रखिछु। गोटे पटे ट्रीटमेंट साइड रे बर्तमान 4-4टा 8टा आईसीयू रखिचु, 23टा बेड रखिचु। तो बर्तमान ये जो H1N1 पेसेंट जी के आसी 2 तारीख रे आम पाखे आडमिशन हेले अश्विनी हस्पिटाल रिफर होकि सेठ से पॉजिटिव रिपोर्ट अनुसार एठिक रिफर होते, किंतु आम गोटे ट्रीटमेंट साइड रो गोटे सेपरेट रूम रे पूरा गोटे कर्नर रे रखिचु एवं तांकर स्वाब आम 2 तारीख दिन पठेलु। बर्तमान जो 2 जन सस्पेक्ट बर्तमान अच्छा नोभेल कोरोना भाईरस से 2 जन जाकर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर अच्छी तांकर बर्तमान सिम्टोमेटिक चिकित्सा चलती, 2 जन रिपोर्ट एनआईवी पुणे पठाई, सो तांकर रिपोर्ट जिते आसी पहुंचब जदि से स्वास्थ्य अवस्था स्थिर थी तेल आम पल्मोनरी डॉक्टर जी अच्छा एचओडी
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କେତେବେଳେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ନଭେଶ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଆତଙ୍କ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେନିକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଆତଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇକି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କହିବା, ଯାହା ଆମେ ଡାକ୍ତର ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଓପିଡ଼ି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଠି ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 3,500-4,000 ଲୋକ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ତା'ର ଦୁଇ ମହଲା ଉପରେ ରହିଛି କରୋନା ୱାର୍ଡ଼, ଏବଂ ସେ କରୋନା ୱାର୍ଡ଼ର ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଅର୍ଥାତ୍ 5th ଫ୍ଲୋର୍ରେ ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, ସେ ରୋଗୀ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ଏସ୍ସିବି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲର କରୋନା ୱାର୍ଡ଼କୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଚକ୍ଷୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାସ୍କ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁମାନ କରିବା, ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାସ୍କ ବାସ୍ତବିକ ଏସ୍ସିବିରେ ଅଛି ବା ନାହିଁ ଏବଂ ଦୈନିକ 5,000 ମାସ୍କ ଏସ୍ସିବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋଟାମୋଟି ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, ବା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ବା ନିଜେ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓପିଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ବା ଅନେକ ରୋଗୀ ତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରୋଗୀ ତ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହିବେ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏ ବାବଦରେ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଏହା ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 4-3 ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାଇରସ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଯଦି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ, କାରଣ ଏଣିକି କରୋନା ସହିତ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି, କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଏସ୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ଯେ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ପାର୍ଟିସନ୍ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରୋଗୀ ରହିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ରୋଗୀ ରହିବେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, 5 ଫ୍ଲୋର୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ 300 ବେଡ୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂକୁ କରୋନା ୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯିବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି କେମିତି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ କେତେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ରୋଗୀ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦିଓ କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସବିଶେଷ ଆମକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲୋକସଭା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାସକ ଯିବା ସେଠାକୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ, ଇଏ ନବନୀତ ଜୀ, ଏସେ ସଭି ଅନେକ ଆପଣ ମାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ନେ ଆପଣ ବିଚାର ରଖେ। ଜବ ମୈ ସାରେ ଆପକେ ଭାଷଣ କି ଜାନକାରିଆ ଲେ ରହା ଥା, कई बातें नई नई उभर करके आई है। ये सदन इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि एक प्रकार से पिछला सदन सत्र हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव रहा और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग के कारण ये संभव हुआ, और इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्य अभिनंदन के अधिकारी हैं।
लेकिन ये अनुभवी और वरिष्ठ महानुभावों का सदन है, इसलिए स्वाभाविक देश की भी बहुत अपेक्षाएं थी, ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी और मेरी स्वयं की तो बहुत ही अपेक्षाएं थी कि आपके पास से बहुत अच्छी बातें देश के काम के लिए मिलेगी, अच्छा मार्गदर्शन मुझ जैसे नए लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो नए दशक में नए कलेवर की मेरी अपेक्षा थी उसमें से मुझे निराशा मिली है। ऐसा लग रहा है कि आप जहां ठहर गए हैं वहां से आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते, वहीं रुके हुए हैं और कभी कभी तो लगता है कि पीछे चले जा रहे हैं। अच्छा होता हताशा निराशा का वातावरण बनाए बिना नया उमंग, नए विचार, नई ऊर्जा, इसके साथ आप सबसे देश को दिशा मिलती, सरकार को मार्गदर्शन मिलता। लेकिन शायद ठहराव को ही आपने अपना वर्च्यू बना दिया है और इसलिए मुझे काका हाथरसी का एक व्यंग काव्य याद आता है। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था, प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो। कविराज कपिल जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। तुम निष्क्रिय से पड़े हुए, भाग्यवाद पर अड़े हुए हो। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। माननीय सभापति जी, चर्चा का प्रारंभ करते हुए जब गुलाम नबी जी बात बता रहे थे, कुछ आक्रोश भी था सरकार को कई बातों से कोसने का प्रयास भी था, लेकिन वो बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन जब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो बेमेल थी, अब जैसे उन्होंने कहा कि वन टॉप फाइव खबर पर नजर पकाएगा इतना नुआ ढांचा रहे बो ओचे एमबीए एमसीए बी फार्मा लैटरल एंट्री बीटेक भली समस्त पीजी एवं यूजी कोर्स पाई देबाकु पड़िबो ओजे आ चलित वर्ष थारु जेई मेन भली ओजे बी संपूर्ण ऑनलाइन मोड रहबो। मे 2 तारीख रु परीक्षा आरंभ होई 5 तारीख रे शेष होबो। एथि पाई आज थारु आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई छि www.oje.in एवं www.odishaje.com रे ऑनलाइन माध्यम रे करिबे आवेदन। मार्च 20 तारीख पर्यंत छात्र छात्री आवेदन करिबा सह 25 रु पाइबे एडमिट कार्ड। गत वर्ष केवल पीजी परीक्षा पाई ऑनलाइन मोड रे होइथिबा बळे चलित वर्ष उभय पीजी एवं यूजी परीक्षा ऑनलाइन जरिया रे हेबो। मे मास शेष सुधा प्रकाश पाइबो रिजल्ट। मैं ओजे 2020 एप्लीकेशन प्रोसेस आज स्टार्ट होची एवं एटा मार्च 20 तारीख पर्यंत चलिबो। परीक्षा हेबो मे मास 2-5 तारीख मध्य वेबसाइट रे दिया जाइछि इनफर्मेशन ब्रोशर जो थे ओजे 2020 विषय ऑल इनफर्मेशन आर प्रोवाइडेड ताकू पढ़ी बुझे एवं आउ गोटे लिंक दिया जाइछि इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ताकू भलके पढ़िबे। एटा बहुत सुंदर भाव में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया जाइछि। ए संपर्क अधिक सूचना पाई सीधा सख जीवा न्यूज रूम रे अछंती हम प्रतिनिधि निरुपमा बेहरा। निरुपमा एथरक उभय पीजी एवं यूजी पाई दुईटी कोर्स पाई एथरक ऑनलाइन माध्यम रे पिला माने परीक्षा देबे, गुटे नुवा फॉर्मा गुटे नुवा ढांचा रे पिला माने परीक्षा देबे, केमती आर व्यवस्था को देखु चंती पूरा प्रक्रिया केमती रहिछि।
निश्चित भाव में स्निग्धा जदि आम देखा एनटीए बा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गत वर्ष ठार् जेई मेन परीक्षा संपूर्ण ऑनलाइन मोड रे करथिबा बेले चलित वर्ष ठार् ओजेई मध्य समस्त परीक्षा आम जदि देखा पीजी सहित यूजी कोर्स रा यूजी पाठ्यक्रम पई परीक्षा गुड़िक संपूर्ण ऑनलाइन माध्यम रे करबाकु निष्पत्ति नेछि एवं जो परीक्षा बा आम जदि देखा ओजेई परीक्षा मे शेष सप्ताह रे होथिबा बेले चलित वर्ष ठार् मे प्रथम सप्ताह रे परीक्षा करबा पई निष्पत्ति नेछि ओजेई तेबे मे 2 तारिखर परीक्षा आरंभ हुई 5 तारिखर शेष हम पूर्व गोटे दिन में जेहेतु ऑफलाइन रे परीक्षा होता तेणु सारा ओडिशा रे छात्र छात्री माने गोटे दिन में ही परीक्षा दे किंतु ऑनलाइन रे परीक्षा हाबा द्वारा विभिन्न ऑनलाइन केन्द्र गुड़िक ही केवल परीक्षा देवार सुविधा रहिबो तेणु 2 तारिखर आरंभ हुई 5 तारिख पर्यंत परीक्षा चलिबो तेबे आम जो देखा परीक्षा रे स्वच्छता रक्षा करने फल प्रकाशन बा जल्दी फल प्रकाश बा रिजल्ट पब्लिश करने छात्र छात्री सुविधा आमे जो देखा संपूर्ण प्रक्रिया जहाँ रही ऑनलाइन माध्यम रे हबो ओजेई परीक्षा पई पंजीकरण ठू आरंभ करी आमे जो देखा काउंसलिंग पर्यंत समस्त प्रणाली जहाँ रही समस्त प्रोसीजर जहाँ रही संपूर्ण ऑनलाइन माध्यम रे होची जे भली भाव में फेब्रुवारी 7 बा आज ठारू आरंभ हुई मार्च 20 तारीख पर्यंत छात्र छात्री माने ओजेई रो जो वेबसाइट ड्यूटी रही से पंजीकरण करें परीक्षा पई आवेदन करें से भली भाव में परवर्ती पर्याय कौनसी प्रकार भूल जदि रहे वेबसाइट रे वेबसाइट ओपन ऑनलाइन माध्यम रे ताकु से माने ठीक मध्य करि परिबे यहाँ पर 25 तारीख रे आमे जदि देखिबा मार्च 25 तारीख रे एडमिट कार्ड एवं 2-5 मध्य ऑनलाइन मोड रे परीक्षा देबे से भली भाव रे मे शेष सप्ताह सुधा चलित वर्ष फल प्रकाश करिबा पई मध्य निष्पत्ति निया जाइछि बोली ओजेई कर्तृपक्ष बा ओजेई अध्यक्ष जहाँ सूचना देछन्दि यहाँ परवर्ती पर्याय रे काउंसलिंग प्रक्रिया मध्य आमे जे देखिबा संपूर्ण भाव रे ऑनलाइन मोड रे हेबो बोली जहाँ निष्पत्ति निया जाइछि जदि आमे देखिबा स्निग्धा गत वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रथम करि जेई मेन पई एई नुवा ढांचा आपण बेले सारा देशर प्राय 11-12 लाख पिला परीक्षा जेई मेन थ्रो था ओजेई जदि आम परीक्षा देवा पाखापाखि 32-35 लाख छात्र छात्री ओजेई परीक्षा दे था तेज कथा होठी प्रश्न उठू जो परीक्षा केन्द्र गुड़िक पूर्व कराला गोटे दिन में परीक्षा होता बर्तमान केते परीक्षा केन्द्र रो के परीक्षा केन्द्र होनलाइन परीक्षा केन्द्र सुविधा केउठी रहा एक बड़ प्रश्न सृष्टि करतोटी कंप्यूटर सेंटर बा ऑनलाइन केन्द्र रे परीक्षा हबो ताहा परवर्ती समय रे निश्चिंत भाव रे निर्धारित करा जीवो बोली ओजेई पक्षरु सूचना रहिची तेबे अन्य पटे आमे जदि देखिबा जेई मेन पार्ट 2 पई मध्य आसंता काली ठारु आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो एवं फेब्रुवारी 7 तारिखरु आरंभ होई आमे जदि देखिबा एहा मार्च मास पर्यंत चलिबो एवं जदि आमे मोटामोटी देखिबा मार्च परे एप्रिल 5 तारिखरु आरंभ होई एप्रिल 11 तारिख पर्यंत जेई मेन पार्ट 2 आमे जदि कहिबा सर्वभारतीय इंजीनियरिंग प्रवेशिका परीक्षा बा सारा देश में थी इंजीनियरिंग कॉलेज रे नाम लिखापी जेई मेन पार्ट परीक्षा दिया जाए था एवं पूर्व जनवरी मासरे यार पार्ट 1 परीक्षा शेष होता बेले जेई मेन पार्ट 2 पई एप्रिल मासरे परीक्षा हेबो एवं आसंता काली ठारु यार रजिस्ट्रेशन बा पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हेबो सेई बोली भाबरे एप्रिल 30 तारिख रे मध्य परीक्षा फल प्रकाश पाइबो तबे मोटामोटी आम जो देखिबा राज्य रे कहा जाउ किंबा सारा देश रे कोनोसी सरकारी बा घरोई इंजीनियरिंग कॉलेज बा एमबीए एमसीए पई नाम लिखाइबा पई छात्र छात्री माने आज ठारु आसंता काली ठारु आवेदन करें राज्य में कॉलेज गुड़िक ओजेई माध्यम पंजीकरण करेंगे एवं सारा देश में परीक्षा शिक्षानुष्ठान नाम लिखापी पाठ पढ़ापी जेई मेन जरिया आवेदन करने आज ठारु आसंता काली ठारु प्रक्रिया आरंभ हो जाए ऑनलाइन माध्यम उभय पीजी और यूजी कोर्स जो पिलाने पाठ पढ़ा चाहते ऑनलाइन माध्यम परीक्षा देवे गोटे नुआ व्यवस्था गोटे नुआ ढांचा नुआ फॉर्मेट रे पिलाने परीक्षा देवे एने की स्वच्छता मध्य परवर्ती समय आसीपे बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा बेहरा थे आम प्रतिनिधि न्यूज रूम रु सीधा सड़क कि भाव में परीक्षार फॉर्मेट रही कौन तार प्रक्रिया रही आवेदन प्रक्रिया ठू आरंभ करी केबे फल प्रकाशन हो सविशेष तथ्य देते आम प्रतिनिधि निरुपमा बेहरा खबर टॉप 5 पार्ट 5 को रखा अगर खबर देखा लगन करूँ news18india.com आम फेसबुक पेज @news18india ट्विटर हैंडल @news18india और यूट्यूब चैनल news18india नमस्कार।